अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ तुरई के छिलकों के कबाब। जी हाँ, तुरई के छिलके। ये देखें, इस तरह से आप इसको तुरई साबुत जब लेंगे पकाने के लिए, तो उसको अच्छी तरह से आप धो लीजिएगा और फिर उसके बाद उसके छिलके उतारिएगा इस तरह से। और आपने ये मुहावरा तो सुना होगा, आम के आम गुठलियों के दाम, तो बस समझिए ये उसी तरह है। तुरई पकाने के काम में ले ली है और अब ये छिलके जो हैं, ये इसके भी मैं कबाब आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये हाफ के जी तुरैया थी, उसके छिलके हैं। और ये एक छोटी प्याली चने की दाल, ये 1 घंटे के लिए मैंने भिगो दी थी। इतनी बड़ी प्याली में मेरी छोटी प्याली है, इसमें मैंने ये दाल ली थी और ये 1 घंटे के लिए भिगो दी है। ये 10 अदद लाल वाली मिर्चें हैं, ये अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं आप। और ये एक काली इलायची, बड़ी इलायची के दाने, 1 टीस्पून काली मिर्चें, और ये 2 लौंगे, इन्हें मैं मोटा मोटा कूट के डालूंगी। और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून लिया है लेवल। चलिए स्टार्ट। ये सबसे पहले धुले हुए छिलके जो हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए। और ये दाल, ये डाल दीजिए, साबुत मिर्चें और नमक और हस्बे ज़रूरत पानी, बस। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी और ये गरम मसाला बाद में कूट के डालूंगी। 1 अंडा चाहिए होगा हमें इसकी कोटिंग के लिए, और हरा मसाला भी बाद में डलेगा। ये देखिए दाल को देखते हैं अब हम, इसमें अभी पानी है। दाल देखते हैं, ये तकरीबन आधी से ज़्यादा गल चुकी है, लेकिन पानी देखिए अभी है। अभी इसको मैं ऊपर नीचे मिक्स कर देती हूँ। और ये गरम मसाला जो कूट के रखा था, 1 बड़ी इलायची के दाने, 2 लौंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, ये मोटी मोटी कूट ली है। अब ये इसमें डाल दिया मैंने, अब मिक्स करके इसको, अब मैं दाल गलने तक इसको कवर कर देती हूँ। अब ये इसका पानी जो है खुशक हो चुका है छिलकों का, दाल का। अब ये मैं इसको चॉपर में पीस लेती हूँ। ये मैंने पीस लिया है और अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ। एक छोटी सी प्याज है, बिल्कुल छोटी सी, चॉप कर लीजिए इसे। ये और हरी मिर्च, ये भी 1 डाल रही हूँ, आप मर्जी अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, ज़्यादा डाल लें। ये इतनी बड़ी हरी मिर्च थी, ये मैंने 1 डाली है बारीक बारीक चॉप करके। और ये थोड़ा सा हरा धनिया, ओ सॉरी हरा धनिया नहीं है, ये पुदीना है। अब मैं इसको मिक्स करके अब इसके कबाब बनाऊंगी। ये इस तरह कबाब बना के, और इस तरह से अंडे में इसे कोट करना है, अंडे में ये कोट करके, और ये इस तरह से यहाँ रखते हैं। अब जब मैं इसको फ्राई करने के लिए डालूंगी तो हल्की सी शेप ठीक कर दूंगी। ये इस तरह से सब बना लें और अंडे में कोट करके इसे रखते रहें, फिर बाद में मैं फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। ये इसमें ऑयल देखे मैंने डाल दिया और फ्लेम ये तेज कर दिया, अभी थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये शैलो फ्राई होंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, अभी हल्के हल्के फ्राई होंगे, थोड़ा सा तेज कर देती हूँ मैं। और ये देखिए माशाल्लाह, ये मटन या बीफ के ही लग रहे हैं, कोई नहीं कह सकता कि किसी सब्जी के हैं, बल्कि सब्जी के छिलकों के हैं। आराम आराम से इसे फ्राई करें, ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डालें। इस तरफ से सिकने के बाद अब इसको इस तरह से पलट देंगे, अभी दूसरी तरफ से जब अब दूसरी तरफ से भी जब इस तरह से गोल्डन सिक जाएगा तो फिर मैं इसे निकाल लूंगी और सारे कबाब में इसी तरह फ्राई कर लूंगी। तो ये देखिए, ये हमारे तुरई के छिलकों के कबाब तैयार हैं, ये देखिए। और अगर आपको ये मेरे कबाब अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।